तो बच्चों आज की क्लास में डिस्कस करते हैं स्टॉक एंड फ्लो के बारे में। ठीक है, तो स्टॉक क्या होता है? स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। लाइक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर किसी चीज को मेजर करते हैं तो उसे हम स्टॉक का नाम दे देते हैं। तो जैसे दिया हुआ है कि 31 मार्च 2020 को हमारे गोडाउन में कुछ स्टॉक पड़ा हुआ था, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? स्टॉक। एक पर्टिकुलर डेट पे हमें बोला कि इतना हमारा स्टॉक, मतलब अपना सामान हमारा पड़ा हुआ है। तो वेल्थ भी क्या होता है? वेल्थ व्हाटएवर जो यू है, जो भी आपके पास है, ठीक है, अभी जो भी आपके पास है, ठीक है, वो आपकी वेल्थ है, वो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? स्टॉक। कैपिटल भी क्या होता है? पर्टिकुलर डेट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले ही लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि एक अप्रैल को हमारे पास इतना कैपिटल है, ठीक है, 30 मार्च को हमारे पास इतना कैपिटल है, एक पर्टिकुलर डेट पर हमने कैपिटल मेजर करा था। कैपिटल हमने डिस्कस करा था क्या होती है कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल क्या कहलाएगी? आपकी स्टॉक, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ही हम कैपिटल को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अगर भाई मैं बात करूं कैपिटल चेंज होगी, तो कैपिटल चेंज जो होती है उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। पिछली क्लास में डिस्कस करा था चेंज इन कैपिटल या फिर कैपिटल फॉर्मेशन इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अब क्या होती है? चेंज इन कैपिटल। अगर कैपिटल में चेंज आ रहा है तो उसे बोलेंगे फ्लो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है? पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं, ठीक है। तो जैसे दिया हुआ है कि फ्लो क्या है, कि इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर, ठीक है। वो क्या था? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, और ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर हम इसे मेजर करते हैं। लाइक प्रोडक्शन, प्रोडक्शन भी पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं। लाइक कि एक महीने में आपकी कितनी प्रोडक्शन हुई, एक दिन में कितनी प्रोडक्शन हुई, ठीक है, एक घंटे में आपकी कितनी प्रोडक्शन हुई, पूरे दिन में आपने कितनी प्रोडक्शन करी, ऐसा ही तो बोलते हो ना आप, ठीक है। तो पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है एक दिन ही नहीं होता, एक घंटा भी हो सकता है, एक मिनट भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है। तो यानी कि एक टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है। तो फ्लो किसी भी टाइम पीरियड पे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लाइक प्रोडक्शन, इनकम, आपकी मंथली इनकम कितनी, आपने पूरे महीने में कितनी इनकम कमाई, एक दिन में आपने कितनी इनकम कमाई, ठीक है, आपकी इनकम कितनी एक महीने की, ठीक है, एक साल की आपकी इनकम कितनी है। देखो ये क्या है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं, पूरा पीरियड ऑफ टाइम पे बताते हैं कि कितना आपका है, ठीक है। अगला है एक्सपेंडिचर, पूरे महीने का आपका कितना खर्चा है, एक्सपेंडिचर आपका कितना है, एक दिन का पूरा कितना खर्चा है, तो वो आपका फ्लो कहलाएगा। बर्थ रेट अगर बात करूं तो वो भी आपके ईयरली बेस पे मेजर करते हैं कि पूरे साल में आपने कितना कितने यहाँ पे कितनी बर्थ रेट है, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? फ्लो कहलाएगा। तो याद रखना स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं, जिसमें क्या होता है कि टाइम डायमेंशन नहीं होता, एक पर्टिकुलर डेट ऑफ टाइम पर इसे बता दिया जाता है, ठीक है। इसमें बताया एक डायमेंशन होता है, ठीक है, तो इसमें कि कितने दिन में इसने पूरा टाइम पीरियड होता है कि एक महीना, एक घंटा, एक दिन, एक वीक, कुछ भी हो सकता है फ्लो के अंदर, ठीक है। तो इसी के साथ हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, स्टॉक एंड फ्लो पे ही आगे है ये फ्लो, सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो क्या है कि एक हमारे यहाँ पे जो मनी का फ्लो है ना, वो सर्कुलेट होता रहता है। आज आपके पास है वो पैसा, कल किसी और के पास होगा, उससे किसी और के पास जाएगा, यानी कि वो आपके पास टिकने वाला नहीं है, वो घूमता रहेगा, सर्कुलेट होता रहेगा। तो इसी के बेस पे सर्कुलर फ्लो है, ठीक है। तो आपकी इकोनॉमी में, आपके जो सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर सर्कुलर फ्लो है, बाकी 3 सेक्टर और 4 सेक्टर आपके सिलेबस से हट चुका है, ठीक है। वैसे अब हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। वो 4 सेक्टर कौन कौन से होते हैं एक बार बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, दूसरा होता है प्रोड्यूसर सेक्टर, तीसरा होता है गवर्नमेंट सेक्टर, फोर्थ होता है एक्सटर्नल सेक्टर, जो हमारे हमारे कंट्री की बाउंड्री से बाहर होता है, जिसको हम विदेश का नाम दे देते हैं या फिर अब्रॉड का नाम दे देते हैं। तो ये थे हमारे 4 सेक्टर। तो हमारी इकोनॉमी में सिर्फ, हमारी सिलेबस में आपके सिर्फ सिर्फ 2 सेक्टर सर्कुलर फ्लो है, ठीक है, वही हम डिस्कस करेंगे। उसी के बेस पर हम सर्कुलर फ्लो की डेफिनेशन हम लोगों ने यहाँ पे दी है। तो इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम
इन द प्रोडक्शन ऑफ एंड फाइनली इट सर्कुलेट फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म. देख रहे हो हाउस होल्ड टू फर्म, सिर्फ दो सेक्टर हाउस होल्ड और फर्म. ठीक है, हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, हाउस होल्ड टू फर्म, हाउस होल्ड ने फर्म के ऊपर कितना खर्चा करा. ठीक है, कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करा हुआ है. ठीक है, तो ये देखो ये डेफिनेशन और भी अच्छे से क्लियर होगी जब हम टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो पढ़ेंगे, रियल फ्लो और मनी फ्लो. ठीक है, दो आपके टाइप्स हैं आपके सर्कुलर फ्लो के. एक बार रियल फ्लो डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ. तो रियल फ्लो में अगर हम देखें तो इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज. देख रहे हो यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड करेस्पॉन्डिंग टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड. ठीक है, हाउस होल्ड टू फर्म, हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज दी, यानी कि देख रहे हो इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म. हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज दिया. माइंड में क्या आ रहा होगा कि फैक्टर सर्विसेज होती क्या है. फैक्टर सर्विसेज अगर देखें तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. ठीक है, ये आप क्या कहलाएंगे, फैक्टर सर्विसेज. फर्म को अगर कुछ भी प्रोडक्शन करना है, बिजनेस खोलना है, तो सारी चीजें हाउस होल्ड ही से प्रोवाइड करेगा, तभी तो वो प्रोडक्शन कर पाएगा. लेबर भी यहीं से आएंगी, लैंड भी यहीं से आएगी, कैपिटल भी यहीं से आएगा, ऑनर भी यहीं से आएगा. समझ रहे हो बात क्यों. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे सारे फैक्टर सर्विसेज. फर्म उसके बदले में क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, और प्रोडक्शन किसको करके देगा, हाउस होल्ड सेक्टर को, यहाँ बेचेगा. ठीक है, हम ही तो लोग तो खरीदेंगे गुड्स एंड सर्विसेज. देख रहे हो, तो हमने इसको क्या दिया, फैक्टर सर्विसेज दी, यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज आई. रियल फ्लो में मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ये याद रखना. ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज और गुड्स का फ्लो हो रहा है यहाँ पे. तो देखें ध्यान से डेफिनेशन दोबारा रियल फ्लो की. इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड. यानी कि यहाँ से फैक्टर सर्विसेज गया और यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज आया. ये था आपका रियल फ्लो. ठीक है, अब मनी फ्लो दूसरा हमने कॉन्सेप्ट हमने बात करी थी, अब मनी फ्लो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. मनी फ्लो देख लेते हैं. इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट. यहाँ पे सिर्फ मनी का फ्लो होगा याद रखना. तो फैक्टर पेमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज. जो फैक्टर सर्विसेज दी थी ना इसने, हाउस होल्ड ने किसको दी थी, फर्म को दी थी. फर्म उसके बदले में पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे. देखो यहाँ पे एरो देखो, फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट कर रहा है. फैक्टर पेमेंट जैसे फैक्टर सर्विसेज क्या थी, लैंड, लैंड के बदले में रेंट पे करेगा, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देगा. ठीक है, ये कौन देगा, फर्म देगा. फर्म किसको देगा, हाउस होल्ड सेक्टर को. यही तो बोला है पहली लाइन. इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज. ठीक है, उसी के अपोजिट अगर हम देखें फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, तो इसके बदले में देखो फर्म क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देगा. किसके बदले में, फर्म ने यहाँ पे क्या दिया था, गुड्स एंड सर्विसेज दिया था, याद है गुड्स एंड सर्विसेज. उसके बदले में ये अगर मैं मनी के इन्वॉल्वमेंट की तरफ से देखूं तो हाउस होल्ड इसके बदले में क्या देगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. किसके बदले में, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में. समझ रहे हो. ठीक है, तो यहाँ देखो दोबारा ध्यान से देख लेते हैं मनी फ्लो के डेफिनेशन. इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज. फैक्टर सर्विसेज के बदले में इसने क्या दिया, फैक्टर पेमेंट करी फर्म ने. ठीक है, और उसके अपोजिट में हाउस होल्ड ने क्या करा, पेमेंट करी गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्म ने प्रोवाइड करी थी, उसके बदले में इसने क्या करा, खर्चा करा, उसके बदले में पेमेंट करी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको नाम दिया गया. यह था रियल फ्लो और मनी फ्लो. देखो अब देखो सर्कुलर फ्लो की और अच्छे से डेफिनेशन अब अच्छे से क्लियर हो जाएगी. इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन एंड फाइनली. जो भी आपका देखो साइकिल ऑफ जनरेशन इनकम की बात कर रहा है कि अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन करते समय हमारे देखो इनकम जनरेट होती है. ठीक है, इनकम कैसे जनरेट होगी, वो हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज पे करेगा, उसके बदले में वो क्या पे करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे करेगा. किसके बदले में पे करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में पे करेगा. समझ में आ गया. तो ये हमारा सर्कुलर फ्लो चलता रहेगा, तो यहाँ पर इसको नाम भी दिया हुआ सर्कुलर फ्लो. ये था आज का कॉन्सेप्ट. कुछ भी आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप
कमेंट कर सकते हो। कमेंट का मतलब है आप जो भी हमने ग्रुप बनाया हुआ है वहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, आपके डाउट्स वहाँ पे क्लियर कर दिए जाएंगे या फिर उनकी नया लेक्चर वीडियो तैयार करी जाएगी जो कि आपको ऑन टाइम मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।